राजमा आपको दिखा दिया होगा कितनी थी राजमा। ओके नमस्कार दर्शकों, तो आने के लिए रेसिपी दी है। इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके तेल डालना है और नमक 2 चम्मच और मिर्च डालनी है। और नान बनाने के लिए हमें पहले तो आटा मैदे को गूंथना है। गूंथने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद उस पर प्लेट रख देना है, जिससे वो पानी चीनी का कोटिंग निकलने लगे। और फिर इसको तो रख के सेकना है। क्या आपने अपनी नोटबुक में नोट की है रेसिपी? घर पे ट्राई करेंगे बनाने का? यस मैम। तो कैसी रही आज की कुकिंग क्लासेस? बहुत अच्छी रही। सारे बोलो बहुत अच्छी रही। घर जाकर कौन कौन बनाएगा? हम सब बनाएंगे। रितिका मैम नमस्कार, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज सभी गर्ल्स के साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गर्ल्स के साथ। और मेरे को खुद भी ये था कि मेरे को सपना ही था जैसे कि कुछ कर, तो मतलब सिखाने का तो कभी प्लान था ही नहीं, लेकिन मैम के उससे मेरे सिखाने की भी वो कर ली, पहल कर ली। हाँ जी। तो कितने दिन से कुकिंग क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर? कुकिंग क्लास ये 2nd क्लास है हमारी। तो इससे पहले आपने क्या बनाना सिखाया? हमने दम आलू बनाया था। हाँ जी, दम आलू। तो नेक्स्ट टाइम क्या प्लानिंग है, क्या बनाने वाले हो? शाही पनीर और स्टफ नान। नहीं वो सॉरी, स्टफ नान नहीं, लच्छा पराठा। स्टफ नान तो आज हम बना चुके हैं। हाँ जी, लच्छा पराठा बनाएंगे। तो इससे पहले जब दम आलू बनाए तो कैसा टेस्ट रहा? वो आप इनसे बच्चों से पूछे कैसा रहा, क्या कितना टेस्टी बना था? बहुत अच्छा। तो और कोई बताएगा आज की रेसिपी के बारे में? एनीवन? एनीवन? नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस? और बहुत अच्छा रहा हमारा। रितिका मैम ने जो अभी सिखाया उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगी? रितिका मैम ने हमें आज दाल मखनी और स्टफ नान सिखाए हैं। हाँ जी। और दाल मखनी हमें बताया मैम ने किस तरह से दाल को भिगोया जाता है, किस तरह दाल को बनाया जाता है, किस तरह उबालना है दाल को। वो हमें मैम ने आज सारी अच्छे से रेसिपी बताई है। हाँ जी। और दाल को हमें किस तरह से मतलब कि कितना टाइम देना है, कितनी सीटी लगवानी है। और हमें नान के बारे में बताया कि नान को उसका मैदा भिगोने के लिए हमें कितना उसके अंदर सामग्री डालनी होती है नान के। और उन्होंने हमें पनीर की स्टफ़ बनाना सिखाया, पनीर के अंदर क्या क्या डाल के उनका स्टफ़ तैयार किया जाता है। और हमारी मतलब कि इस तरह से करके दाल मखनी और नान तैयार हो चुके हैं। तो गर्ल्स, यहाँ पर पहले आप सिलाई सीखते थे और पार्लर का, कंप्यूटर, और एक नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो कैसा फील हो रहा है कि उड़ान ग्रुप अब कुकिंग क्लासेस भी लगाने लगा है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप और लड़कियों को भी कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यस मैम। क्या ये जो भी बच्चे हैं, जो लड़कियाँ जिनके घर के बाहर सेंटर पे नहीं भेजना चाहते, जिनको पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। कम रेट में यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, जिससे लड़कियों को 6 महीने का और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, ज्योति मैम ने बहुत ही अच्छी पहल की है ना कि सिर्फ शिक्षा ही, उसके अलावा जो हमारे घरेलू कार्य हैं, खाना बनाना, जो कि सबको आना बहुत ही अहम है। तो अब उड़ान ग्रुप में कुकिंग क्लासेस भी लगाई जा रही हैं और आज की ये सेकंड क्लास रही। तो इससे पहले इन्होंने बनाया था दम आलू और आज यहाँ पर बना है पनीर के नान और दाल मखनी बनी है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। और सभी गर्ल्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है सब में सीखने के लिए। तो ज्योति मैम से बात करेंगे कि एक नई जो है बहुत ही अच्छी चाह लड़कियों में जगाई है कि खाना बनाना भी सीखें, ना केवल शिक्षा, ना ही सिलाई, ना ही सिर्फ कंप्यूटर, उसके अलावा जो घरेलू कार्य हैं वो भी लड़कियों को ज़रूर आने चाहिए। नमस्कार मैम, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है आपने कुकिंग क्लासेस की, तो कैसे आपने सोचा कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसके अलावा हटके खाना बनाना भी सिखाया जाए? मैम जैसे आप जानते ही हैं कि उड़ान ग्रुप का हमेशा से यही पहल रही है कि लड़कियों को सब काम आने चाहिए। हाँ जी। और लड़कियां आत्मनिर्भर भी होनी चाहिए। हाँ जी। आत्मनिर्भर करवाने के लिए ही लड़कियों को आज कुकिंग क्लास की भी हमने यहाँ स्टार्टिंग करी है। हाँ जी। और आज हमारी लड़कियों ने एक हमें और एडवाइस दी है कि मैडम हमें कुकिंग क्लासेस सिखाकर टिफिन का भी काम शुरू करवा दो। बहुत ही अच्छा, कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम। हम यही सोच रहे हैं कि अगर बच्चे सीख जाते हैं, हाँ, तो हमारा मेन अगला कार्य यही रहेगा कि यहाँ जो लेडीज़ भी काम कर रही हैं और जो लड़कियाँ भी आ रही हैं, हाँ जी, उन सब के लिए यहाँ टिफ़िन सर्विस भी शुरू करी जाए ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, उड़ान ग्रुप अब नेक्स्ट जो प्लानिंग कर रहा है वो ये है कि सभी लड़कियों को खाना बनाना सिखाने के बाद उड़ान ग्रुप के नाम से एक टिफ़िन सर्विस जो है शुरू की जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।